नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। चार बजे की चार बड़ी खबरों से करेंगे शुरुआत, जहां पहली खबर संभल से है, जहां ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब मंत्री जरूर बनूंगा। वहीं दूसरी खबर उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे मजदूरों की है, जहां कांग्रेस ने देश भर में मजदूरों के लिए प्रार्थना और हवन शुरू किया है। तीसरी खबर बदायूं से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक पर पुलिस के तीन कांस्टेबल नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं चौथी खबर रायबरेली से है, जहां सराफा व्यवसायी से हुई लूट मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें कि सराफा व्यवसायी से बीते दिन 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया था। और अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, जहां मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजभर ने कहा है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब मंत्री जरूर बनूंगा। अखिलेश यादव पर बोला हमला, स्वामी प्रसाद को अखिलेश दे रहे हैं बढ़ावा। समाजवादी पार्टी ने दूसरी ओबीसी जातियों को लूटा। मुसलमानों को सपा पर भरोसा नहीं। वहीं इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री पद को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो मंत्री जरूर बनेंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते नजर आए हैं ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव पर हमला बोला है, कहा है स्वामी प्रसाद तो बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश। देखिए माननीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हमारी मुलाकात दिल्ली हुई, आपने निमंत्रण दिया बताया, तो हमने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज भगवान कल्की महाराज जी के आश्रम में आने पर मुझे वो दृश्य याद आया कि जब जब धरती पर जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया और देश में जो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग उनका नाश किए हैं और आने वाले दिनों में भी ये क्रम चलता रहेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संभल से संवाददाता सतीश सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। जी सतीश, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, एक तो मंत्रिमंडल पद को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि मंत्री उन्हें जरूर बनाया जाएगा, दूसरी तरफ सपा पर भी निशाना साधते नजर आए हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, यहाँ पर कल्पी में महोत्सव चल रहा है संभल में, और यहाँ पर जो है ओम प्रकाश राजभर भी आए थे। वहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो हमें मंत्री बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश को भी निशाना साधते हुए कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं ना, वो अखिलेश की उसमें देने शरण में दे रहे हैं और अखिलेश ही उनसे बयान दिवा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। और ये भी कहना है कि जिस तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में प्रोग्राम में शामिल होते हैं और शामिल पहुँचने के बाद में उन्होंने एक अपनी कॉन्फ्रेंस कही है, कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया गया है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उनका ये भी कहना है कि यदि कांग्रेस मजबूत होती है तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। जिस तरह से बयान दिया करने वाले कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस आ रही है सत्ता में, कांग्रेस जिस प्रकार दिखाई दे रही है तो उन्हें जो है दिखाई दे रही है सपा जो है सपा हो जाएगी। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के साथ में आरक्षण की बात की गई थी और किसी का आरक्षण उन्होंने उनका गया है तो कई तरह के बयान दे चुके हैं। और यहाँ पर जो है जो कल महोत्सव चल रहा है तो उसमें जो सभी नेता बुलाए जाते हैं, तो उन्हें जो है प्रमुख किसने न्योता देकर बुलाया गया था, तो वहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस की गई थी और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सब सुबह सपा अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, जो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो वो मंत्री जरूर बनेंगे। जी बिल्कुल सतीश। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से मंत्री पद को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं ओम प्रकाश राजभर, संभल जब पहुंचे थे और मंदिर में पूजा अर्चना की है, इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं समाज में जो बुराइयां उन्हें व्याप्त करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते रहते हैं, इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से उनका कहा, भगवान ने कहा कि मेहनत के परिणाम है, जब जब जब
अत्याचार हुए तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया गया है। उनका ये भी कहना है कि 27 जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए अखिलेश यादव ने उनको आरक्षण का झूठा वादा जी। बिल्कुल सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, कल की मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो अपने मंत्री पद को लेकर आश्वस्त है, उन्हें मंत्री जरूर बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह से बयान आते हैं उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उन्हें अखिलेश ही बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे मजदूरों के लिए कांग्रेस ने प्रार्थना की है। बता दें कि हजरतगंज में हनुमान दक्षिणमुखी मंदिर में प्रार्थना जारी है। इकट्ठा होकर टनल में फंसे मजदूरों के लिए हनुमान मंदिर में प्रार्थना की जा रही है। साथ ही हनुमान दक्षिणमुखी मंदिर में कांग्रेसियों ने बजरंग बाण का भी पाठ किया। दूसरी तस्वीर देहरादून से भी सामने आ रही है। कांग्रेस ने यहां भी उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए हवन पूजन किया है। तो अलग अलग जगहों पर उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक लखनऊ की तस्वीर है और दूसरी उत्तरकाशी की तस्वीर है जहां पर हवन और पूजन टनल में फंसे 41 मजदूरों की सलामती के लिए, उनकी सकुशलता के लिए किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के पूजा पाठ का आयोजन कर रही है जिससे मजदूर जल्द से जल्द टनल से बाहर निकल पाए और वो सकुशल बाहर निकले। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से जानकारी यहां पर सामने आ रही है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान मंदिर में बजरंग बाण का पाठ किया गया है और साथ ही साथ पूजा पाठ किया जा रहा है उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए उत्तरकाशी टनल में जिस तरीके से मजदूर पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं, हालांकि कई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक उन सभी प्रयासों के चलते भी अभी तक उन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। और उसको ध्यान में रखते हुए कई जगह पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आराध्य को से निवेदन कर रहे हैं कि सकुशल जल्दी इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। सरकार भी हर संभव प्रयास जो है वो कर रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को उस टनल से बाहर निकाला जाए। आज केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे, उनके साथ में पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है उत्तराखंड के, वो वहां पर पहुंचे और जो ऑपरेशन और बचाव कार्य चालू किया जा रहा उसका उन्होंने जायजा लिया। और उसी को, इस पूरी घटना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जगह पर जो है वो प्रार्थनाएं की जा रही। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हजरतगंज में हनुमान मंदिर में पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना करी है और उन सभी मजदूरों के सकुशल वापस लौटने और उनको, उनका रेस्क्यू कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो, इसको लेकर उन्होंने प्रार्थना करी। और उनको, जब उन्होंने उनसे बात करी गई तो उन्होंने कहा कि वो प्रार्थना करते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द सभी जो मजदूर हैं वह सकुशल बाहर निकल कर आएँ। राहत और रेस्क्यू कार्य जो किया जा रहा है उसको और तेजी के साथ में किया जाना चाहिए और हर संभव प्रयास जो है वो किया जाए। और इसीलिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। कांग्रेस ईश्वर से भी प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द ये जो बचाव कार्य है, राहत का कार्य है, ये जल्द से जल्द जो है वो पूरा हो सके। हालांकि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी कुछ वक्त और लगेगा जब इन मजदूरों को जो है रेस्क्यू किया जाएगा। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि बचाव और बचाव का जो कार्य है वो लगातार जारी है और उसके लिए अलग अलग तरीके से देश के अंदर अलग अलग कोनों में कई जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर लोग अलग अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आराध्य को कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मजदूर जो है वो इस टनल से बाहर निकल के सकुशल आ सके। जी बिल्कुल प्रियम, तो जिस तरह से लखनऊ में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई है और उत्तरकाशी में भी हवन पूजन का दौर जारी है, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए कांग्रेस अलग अलग जगहों पर हवन पूजन और पूजा पाठ के कार्यक्रम कर रही है, लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है। और इसके बाद बात करेंगे तीसरी खबर की। अगली खबर बदायूं से है जहां वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में एक बाइक पर पुलिस के तीन कांस्टेबल नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीनों कांस्टेबल वर्दी पहने हुए रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो के बैकग्राउंड में एक फिल्मी गाना भी सुनाई दे रहा है।
ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बदायूं से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के 3 सिपाही रील बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड में फिल्मी गाना चल रहा है। तो यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ाने की यदि बात करें तो इस बात का साफ तस्दीक की वीडियो कर रहा है कि जब पुलिस के सिपाही और कर्मचारी ही ऐसे होंगे तो ये आम जनता को क्या सीख देंगे कानून पालन को लेकर। साफ तौर पर इस वीडियो के बाद अब देखना ही होगा कि इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन पुलिस विभाग के पदों पर तैनात सिपाहियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो साफ तौर पर कानून को ताक पर रखने का काम किया जाता है और जनता को और अधिक उकसाने का भी काम यहां पर इस तरह की घटनाएं करती हुई नजर आती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बदायूं से संवाददाता विजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजय, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वीडियो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, पुलिस के सिपाही और जवान जिनको कानून के रखवाले होने का तमगा दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, जब वो खुद ही इस तरह से कानून तोड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर कानून की रखवाली कौन करेगा? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से देखिए प्रशासन रेल को लेकर के सख्त है और तमाम रेल बनाने वालों के प्रति कार्रवाई भी सर कई हो चुकी है, लेकिन बदायूं में अगर जो देखा जाए तो एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है और ये वायरल वीडियो बदायूं जनपद के फैजगंज भेटा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक उस थाने पर तैनात 3 सिपाही जो है एक ही बाइक से, उसमें जो बाइक चला रहा है वो तो हेलमेट लगाए नजर आ रहा है, बाकी दोनों सिपाही बिना हेलमेट के और रील बनाते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पीछे जो सिपाही बैठा है वो अपना चेहरा छुपाते भी नजर आ रहा है। देखना अब ये होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये भी रील होने के बाद। हालांकि आला अधिकारी कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है और अभी इस पर जांच चल रही है। जी जी बिल्कुल, तो ये 3 ही सिपाही जो हैं इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि इस मामले की आला अधिकारी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। इसमें जांच ये हो रही है कि वीडियो कहाँ का है, हालांकि जो फैजगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है तो इसके लिए जांच दे दी गई है और जांच के बाद अगर मामला सही निकल के आता है तो इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में आपका कहना है कि अभी फिलहाल जांच की शुरुआत कर दी गई है लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वीडियो कहाँ का है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है इसमें बदायूं जनपद के फैजगंज थाना से भेटा का बताया जा रहा है, लेकिन अभी जांच में ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये फैजगंज थाना का ही तैनात सिपाहियों का है या फिर कहीं और का है। अब जांच के बाद ये क्लियर होगा कि वीडियो कहाँ का है। अगर फैशन थाना का है और इस तरह से रील में ये पाए जाते हैं तो SSP का कहना है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे विजय। तो हमारे साथ संवाददाता विजय जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि वीडियो को लेकर जानकारी मिली है, पुलिस ने इसे संज्ञान में ले लिया है लेकिन पुख्ता तौर पर जांच हुए बिना ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये बदायूं के किस थाना क्षेत्र का वीडियो है। हालांकि जांच की पुलिस ने अब शुरुआत कर दी है और साथ ही साथ अधिकारियों को ये भी कहना है कि जांच के बाद जिस भी थाने क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला आता होगा वहां पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में सराफा व्यवसायी से हुई लूट के मामले में CCTV फुटेज सामने आया, जहां CCTV में साफ नजर आ रहा है कि सराफा व्यवसायी गोलू राय बाइक से जा रहा है, तभी 3 युवक उसे तमंचे की नोक पर बाइक से गिराकर लूट को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लूट की घटना का संज्ञान लेकर लखनऊ परिक्षेत्र के IG तरुण खुद भी मामले की जांच में जुट गए हैं। तभी उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़ित से मिली तहरीर के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, साथ ही कहा है कि लुटेरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और लुटेरे जल्द ही पकड़े जाएंगे। तो ये CCTV फुटेज आप देख पा रहे हैं, रायबरेली में सराफा व्यापारी से बीते दिन 1 करोड़ के जेवरात लूट का मामला सामने आया था, जिसको लेकर ये आगे कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस को CCTV फुटेज मिला है जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और आरोपियों को अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। जनपद रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी था जो कि अपनी दुकान बंद करके कुछ आभूषण लेके अपने घर की तरफ जा रहा था और उससे
सोने के आभूषणों से भरा बैग अभियुक्तों द्वारा छीन लिया गया। इस तरह की एक लूट की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने वहाँ पे पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। CCTV खंगाल लिए गए हैं, जो सुराग हमें मिले हैं उसके अनुसार हमने टीमें गठित करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना, जो कि हमारे लिए एक अति महत्वपूर्ण घटना है, उसका अनावरण सुनिश्चित कराएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से घटना सामने आई है, रायबरेली में 1 करोड़ के जेवरात लूटे गए थे, इस पूरे मामले में CCTV फुटेज तो सामने आया है, लेकिन इसके अलावा आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल प्रियंका, बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात 3 बाइक सवार बदमाशों के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और एक सराफा व्यवसायी से लगभग 1 करोड़ रुपए के जेवरात का बैग जो है लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन आपको बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही, जहां पर ऐसे दबंगों के हौसले बुलंद और आपराधिक घटनाओं के अंजाम लगातार दिए जा रहे अपराधियों के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी रायबरेली की पुलिस व्यवस्था कहीं से सुधार में आने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि बीती रात जिस प्रकार से सराफा व्यवसायी के साथ लूट हुई है, पुलिस महकमे में हड़कंप देखने को मिला है। बता दें कि सराफा व्यवसायी जो है वो पर डे की तरह अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, जबी घात लगाए बैठे 3 बाइक सवार के द्वारा जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि रायबरेली पुलिस विभाग किस तरह से सक्रिय है और कहीं ना कहीं इससे पूरी घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप देखने को मिला है। बता दें कि पूरी घटना का अनावरण करने के लिए IG जोन लखनऊ तरुण गाबा भी घटनास्थल पर पहुंचे और उनके द्वारा पूरी घटना का जायजा लिया गया है। हालांकि एक जो वीडियो वहां पर CCTV फुटेज मिला है, उसके आधार पर IG जोन के द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं और उसी के आधार पर पुलिस के द्वारा जांच कर जल्द ही लुटेरों को पकड़ने की बात कही गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से SP रायबरेली आलोक प्रियदर्शी के द्वारा अपने मातहतों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि लगातार अपने क्षेत्र में सक्रियता बरते और अपराध व अपराधियों पर अंकुश बनाए रखे, और वो अपने थानेदारों पर कहीं ना कहीं विश्वास भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा सकता है कि थानों पे तैनात पुलिस किस तरह से निष्क्रिय देखने को मिल रहे और इस तरह से खुलेआम जिस तरह से घटना को अंजाम लुटेरों के द्वारा दिया गया है और वो लगातार भागने में कामयाब हुए हैं, कहीं ना कहीं रायबरेली की पुलिस व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही पूरी घटना की जानकारी लखनऊ को हुई, वो स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरी घटना का उनके द्वारा अनावरण किया गया और जल्दी लुटेरों को पकड़कर उनके खिलाफ शिकंजा कसने की बात कही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रायबरेली में अपराध का बाढ़ देखने को मिल रहा है और लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है, इससे कहीं ना कहीं रायबरेली की पुलिस व्यवस्था जो है सवालों के घेरे में खड़ी हो रही थी। जी बिल्कुल राजू, तो जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी है, घटना का खुलासा जरूर कर दिया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी भी आरोपियों की तलाश जारी है। तमाम नेक्सस की यदि आप बात करते हैं, तो पुलिस विभाग इस पूरे मामले में कम से कम यदि पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद होने की बात की जाती है, तो इस तरह के अपराधियों को गिरफ्त में लेना या फिर छानबीन के द्वारा धरपकड़ करके शुरुआत कर देना, यदि इस तरह की घटना में भी समय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस के एक्शन पर भी सवाल बनते हैं। बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा अपने थानेदारों पर विश्वास जताया गया है और उनके द्वारा पर डे ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं कि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, और वो लगातार क्षेत्र में जाते हैं, अपने थानेदारों को, अपने मातहतों को निर्देश देते हैं कि अपराध व अपराधियों पर किस तरह से शिकंजा कसा जा सकता है और किस तरह से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है, उसकी हीला हवाली के चलते आए दिन अपराध हो रहा है और जिले में तरह तरह के नए नए अपराध पनप रहे हैं, जो बड़ी घटना को अंजाम देने में लगातार ऐसे अपराधी कामयाब हो रहे हैं। और अनावरण इस तरह, बता दें कि जिस तरह से घटना को अंजाम देते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद वो भागने में भी कामयाब होते हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता साफ तौर से देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोपी जेवर को लेकर फरार हो गए हैं और अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली है, जो सराफा व्यापारी है उनका क्या कहना है, पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या अभी तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उनको किस तरह का आश्वासन दिया गया है? बता दें कि कहीं ना कहीं व्यापारियों में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा था, जिस तरह से लूट हुई थी और सरेआम लूट के बाद जो स्थानीय व्यवसायी थे,
व्यापारी थे उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से तत्काल जो है पूरे घटना की जानकारी होते ही आईजी जोन तरुण गाबा पहुंचे, उनके द्वारा काफी जो है जांचा परखा गया और पूरी घटना का अनावरण किया गया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, पीड़ित से भी उनके द्वारा पूछताछ की गई और कहीं ना कहीं पूरे मूवमेंट की उनके द्वारा जानकारी ली गई और उसी के दरमियान एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति एक ऐसा भाव देखने को मिला जो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से संतुष्ट दिखे कि बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। और इसको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भी संतुष्टि देखने को मिली। जी बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायबरेली में सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना में फिलहाल संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, मामले की कार्रवाई जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।